दमनगर कोतवाली अंतर्गत एक बार पुनः छात्राओं के गायब होने का मामला सामने आ गया है। इस बार कक्षा 9वीं की छात्राएं जो है वे गायब हो गई हैं। दमनगर कोतवाली अंतर्गत शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का ये मामला है, जहां पर परिजनों के द्वारा दो छात्राओं को स्कूल तक छोड़ा गया था। उसके बाद जब छात्राएं घर नहीं पहुंची तो परिजन स्कूल पहुंचे, मामले की जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई। पुलिस इस मामले में लगी हुई है। देर रात्रि तक सीसीटीवी खंगालने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। दोनों ही छात्राएं, बताया जाता है कक्षा 9वीं की छात्राएं हैं, जो स्कूल आई थी लेकिन वापस घर नहीं पहुंची। परिजनों के मन में तरह तरह की संख्याएं व्याप्त हैं, जिसके चलते वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किया जाए। छात्राओं के पास कोई मोबाइल नहीं है, जिसके चलते लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। लगातार सीसीटीवी फुटेज एवं स्थानीय लोगों की पूछताछ के बाद ही इस मामले का खुलासा हो पाएगा। क्या कहते हैं नगर कोतवाली टीआई आनंद सिंह, आइए सुनते हैं। आज अभी रात को लगभग 10 बजे और 11 बजे अलग अलग एमएलबी स्कूल में अध्ययनरत दो बालिकाएं, जिनकी उम्र जो है 14 साल के आसपास है, उनके परिजन थाने आए थे। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी बच्चियां दोनों जो एमएलबी स्कूल में पढ़ती हैं, और सुबह स्कूल टाइम जो लगभग 10:30 बजे का, उस समय उनके परिजन, दोनों बच्चों के परिजन के द्वारा उन्हें स्कूल छोड़ा गया था। लेकिन शाम के समय जब उनके परिजन लेने आए या उनके घर पहुंचने का जो समय आया, वो पहुंच नहीं पाई। दोनों को गुमनसान दर्ज किया गया है और अंतर्गत धारा 363 IPC में अपराध भी पंजीबद्ध किया गया है। 363 से संबंधित कंसर्निंग DNS सेक्शन में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी टीमें गठित कर दी गई हैं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, और लगभग 4 से 5 टीमें सतत रूप से प्रयास कर रही हैं। आसपास के जितने संभावित CCTV कैमरे हैं, उनके फुटेज खंगाले जा रहे हैं और बहुत जल्दी हम ट्रेस कर लेंगे। सर, परिजनों से कोई बातचीत हुई? परिजनों से हमारी बातचीत हुई है। बच्चियों के द्वारा मोबाइल नहीं रखा गया है। परिजनों के द्वारा बस इतना ही बताया जा रहा है कि रोज के हिसाब से जैसे बच्चियाँ स्कूल आती हैं, उसी हिसाब से स्कूल आई थी और वापस नहीं पहुँची हैं। इसके अलावा बाकी जानकारी उनसे कोई प्राप्त विशेष नहीं हुई है, जो बच्चों की पता रस्म शायद। स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई जानकारी? स्कूल प्रबंधन की तरफ से हमारा उनसे संपर्क हुआ है, संबंधित प्रिंसिपल साहब से हमारी बात हुई। उनके द्वारा बताया गया कि एक बच्ची अनुपस्थित है स्कूल में, भी एक बच्ची की हमें जानकारी तो प्राप्त हो गई तथ्यात्मक रूप से कि एक बच्ची स्कूल जरूर पहुंची होगी, लेकिन वह कक्षा में उपस्थित नहीं है। तो संभवतः ये हो सकता है कि परिजनों के द्वारा स्कूल छोड़ने के बाद वो बच्ची शायद कहीं मिस हो, क्लास अटेंड नहीं की। त्योहारों का मौसम चल रहा है, छात्राएं गायब हुई हैं, ऐसे में देखने लायक होगा पुलिस कब तक छात्राओं को ढूंढ निकालती है। यार, इस साल मैंने बहुत शॉपिंग की है, लेकिन दिवाली है तो थोड़ी और शॉपिंग तो करनी पड़ेगी ना। एंड एज ऑलवेज बजाज फिनसर्व का इजी EMI काम आएगा। सोच रही हूँ 2-व्हीलर कुमुद सेल्ज तमो से लेती हूँ, वहाँ काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। माँ को मत बताना प्लीज, वरना उनका फिर से शुरू हो जाएगा कि बेटा ये EMI VMI अच्छा नहीं होता। एक्चुअली मैंने उन्हें बताया नहीं ना कि EMI पे लेके जो पैसे बचे वो मैंने सेविंग्स में डाल दिए। स्मार्ट था, सेविंग्स भी हो गई और शॉपिंग भी हो गई, तो देर किस बात की, चले शॉपिंग। और हाँ, बजाज फिनसर्व, कुमुद सेल्स और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली।